गुड मॉर्निंग, मैं हूं सुनील। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राइडर शर्मा जी में। आज है 26 जनवरी 2020, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो राइड है वो मैं रख रहा हूं भिलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, मेरे ग्रुप आयरन इंडियन राइडर्स के साथ में। तो सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं सोनी ऑटोमोबाइल भिलवाड़ा, तो चलते हैं, लेट नहीं होते हैं। वैसे भी 8 बज गई है। रेडी हो गए हैं, चलते हैं। अजय का भी फोन आ गया है, वो वेट कर रहा है सोनी ऑटोमोबाइल्स पे। जल्दी से चलते हैं। तो ये खड़ा हमारा हाथी, इस पर जाएंगे हम आज। लगभग हम सब आ गए हैं और कुछ एक राइडर हैं जो आज नहीं आए हैं, क्योंकि एक की तबीयत ख़राब थी, एक हमारे टीचर हैं तो उनके आज स्कूल में फंक्शन है, इसलिए वो नहीं आएंगे। बाकी हम 8 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है लेट, अभी 8वां आ रहा है। ये है अजय की गाड़ी, ये कुलवंत की, ये मेरी, ये गौरव की, ये आदित्य की, और ये ऋषभ जी की, और ये है हमारे अंकित। बाद गोसुना डैम, और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे। तो चलते हैं, सब रेडी हैं। वैसे यहाँ पर हम गुरु साधन की गाड़ी लेने आए हैं, जो भिलवाड़ा से कुछ 20 किलोमीटर आगे इनका वर्कशॉप है, वहाँ रखी हुई थी, तो उसे हम जस्ट लेने आए हैं यहाँ पे अभी। बोर्ड तो रिसोर्ट का लग रहा है, मैंने उसे रेस्टोरेंट कह दिया। वाह, तो रिसोर्ट है। ये है सामने गोसुना डैम, और उसी के जस्ट पास में है ये हमारा रिसोर्ट, जहाँ पर आज ब्रेकफास्ट रखा है। कैस्टल नरेला, काफ़ी अच्छा रिसोर्ट बना हुआ है।
तो यहाँ पर हमारा लंच है, अब लंच है या ब्रेकफास्ट जो भी है पर लंच के बराबर ही होगा। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था और काफ़ी स्वादिष्ट था, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब सामने डैम की तरफ जा रहे हैं। तो ये है गोसुंडा डैम, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। इसको और ऊपर चल के देखते हैं नज़दीक से। जस्ट हम पंप के पास में हैं, इसके अंदर पंप चल रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा नज़ारा। जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी एक, ये पंप की आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ है अभी मेरा दोस्त अजय और ये भी एक व्लॉगर हैं, इनका भी एक चैनल है जिनका नाम मेरे है, चैनल का नाम है एजे सिंह व्लॉग्स, एजे सिंह व्लॉग्स। तो दोस्तों, आप इनके व्लॉग्स देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अजय कुछ स्टंट कर रहा है क्योंकि अजय पहले MTV स्टंट मैन में जा चुका है, अभी इसके पास है पल्सर और भाई यहाँ पर स्टंट करके दिखाएगा। करना क्या पहले बता दो। भैया भैया दोस्तों, इस तरह के स्टंट प्लीज़ आप नहीं करें क्योंकि ये बिना सीखे हुए और बिना आप कुछ गियर्स यूज़ किए आप नहीं करें। निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट हो गया है सॉरी, और डैम घूम लिया है। अब कुछ ऑफ रोडिंग करनी है, उसके लिए हम यहाँ से ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं। ये सारे राइडर्स अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने।
दोस्तों, बहुत मज़ा आया आज का दिन, और आज का दिन याद रखने के लिए ही ये राइड रखी थी हमने। और समय हो गया है घर जाने का, और इस वीडियो को भी ख़त्म करने का समय आ गया है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।